नमस्कार, मैं कोपल हालन स्वागत करती हूं आपका सी लॉर्ड न्यूज में। यूक्रेन पर हमले के बीच मोदी के अलावा पुतिन ने किन नेताओं से की बात? पिछले कई महीनों से रूस यूक्रेन के बीच जो तनातनी की खबर सुनने को मिल रही थी उस पर रूस ने अपना रुख साफ करते हुए गुरुवार सवेरे से ही यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई की घोषणा कर दी, जिसके बाद रूसी सेना ने उत्तर, पूर्व और दक्षिण की तरफ से यूक्रेन पर घुसना शुरू किया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के हमले के पहले दिन गुरुवार को यूक्रेन में सैनिकों और आम नागरिकों समेत 137 नागरिकों की मौत हुई है। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। तो इन सब के बीच कल यानी गुरुवार को ही यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर 25 मिनट तक बात की। पीएमओ की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के दौरान दोहराया कि रूस और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन समूह के बीच मतभेदों को सिर्फ ईमानदार और गंभीर वार्ता से ही सुलझाया जा सकता है। पीएमओ के अनुसार प्रधानमंत्री ने तत्काल हिंसा रोकने की अपील की तथा सभी पक्षों से कूटनीतिक बातचीत और संवाद की राह पर लौटने के ठोस प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने इस दौरान पुतिन को यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों, खासकर छात्रों की सुरक्षा से जुड़ी भारत की चिंताओं से भी अवगत कराया। साथ ही पुतिन ने अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी गुरुवार को बात की। क्रेमलिन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को लेकर जो स्थितियां हैं उस पर राष्ट्रपति रईसी से बात की और उन्हें जानकारी दी। बयान में कहा गया है कि ईरान के राष्ट्रपति ने रूस की चिंताओं को समझा जो अमेरिका और नेटो की कार्रवाई से पैदा हुई है। साथ ही बातचीत में ईरान के परमाणु कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर प्रतिबद्धता जताई। साथ ही पुतिन ने तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तय्यिप एर्दोगान से भी फोन पर बातचीत। क्रेमलिन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने डोनेट्स्क और लुहांस्क को मान्यता देने के मुद्दे पर विचार किया। बयान के मुताबिक पुतिन ने एर्दोगान को बताया कि ये फैसला डोनबास में यूक्रेन की आक्रामक नीति और मिन समझौते को लागू करने से इनकार करने के बाद ही लिया गया है। एर्दोगान ने भी इस पर अपने विचार रखे। पुतिन ने बातचीत के दौरान अमेरिका और नेटो को लेकर निराशा व्यक्त की कि कैसे रूस की वाजिब चिंताओं और मांगों को दरकिनार किया गया। दोनों देश संपर्क जारी रखने पर सहमत थे। इसके अलावा पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से भी बात की। क्रेमलिन के मुताबिक दोनों नेताओं ने मौजूदा परिस्थितियों पर खुलकर बात की। बातचीत में पुतिन ने सैनिक कार्रवाई की वजह और परिस्थितियों के बारे में भी जानकारी दी। इसके साथ ही पाकिस्तान के पीएम इमरान खान तो रूस के दौरे पर ही थे और गुरुवार को ही उनकी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात हुई। धन्यवाद।